वित्त मंत्री उसके सामने पेश हुए थे और जब 2001 में सिक्योरिटी स्कैम की दूसरी जेपीसी बैठी थी तो यशवंत सिन्हा बतौर वित्त मंत्री उसके सामने पेश हुए थे। तो ऐसी बात है कि इन कमेटियों में आप पूरी तरह से जानकारी हासिल कर सकते हैं। पीएसी की रिपोर्ट आज तक 1946 के बाद कभी भी सदन में डिस्कस नहीं हुई, जबकि जेपीसी की रिपोर्ट जब जब जेपीसी की रिपोर्ट हुई है तब तब जेपीसी की रिपोर्ट डिस्कस हुई है और एक्शन टेकन रिपोर्ट भी पेश हुई है और उस पर भी डिस्कशन हुई है। तो आज की घटना यही थी कि सरकार की तरफ से था कि कोई और रास्ता अपना लिया जाए, जिसको विपक्ष ने एक स्वर में ना कर दिया और कह दिया। आज उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर हैं, आज दोपहर तक वापस आएंगे, उनसे बात करके वो पुनः बताएंगे। पिछली बार 15 तारीख के बाद 22 तारीख को मिले थे, अब पता नहीं कितने घंटों के बाद या कितने दिनों के बाद मुलाकात होगी। और आज की सभा कल के लिए स्थगित हो गई है, अब आगे जो उनका जवाब आएगा उस पर कार्रवाई होगी। मेरे को यही बताना था। दूसरी बात, जो हमारा स्टैंड सीवीसी के अपॉइंटमेंट पर था और उस सीवीसी की अपॉइंटमेंट के लिए जो एक समिति है, उस समिति के 3 सदस्य हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा। उसमें नेता प्रतिपक्ष लोकसभा ने उस नाम का विरोध किया था और विरोध करने पर उन्होंने अंततः एक डाइसेंट नोट देकर उसका विरोध हुआ था। उसके बाद एक पीआईएल फाइल होगी, आपको मालूम है कि उस पीआईएल का हश्र क्या हुआ, पूरी फाइलें मंगाई गई और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लेते हुए कोर्ट में ही कहा कि एक दागी व्यक्ति कैसे काम करेगा सीवीसी के रूप में, जो चार्जशीटेड है वो कैसे काम करेगा। तो वहाँ पर उसमें वहाँ चार्जशीट भी है, चार्जशीट भी है और वहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास एक राइट टू इंफॉर्मेशन में एक जवाब है। द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफिस ऑफ इंक्वायरी कमिश्नर एंड स्पेशल जज तिरुवनंतपुरम का, जिन्होंने रमेश बाबू केसी करके कोई तिरुवनंतपुरम के हैं, उनको जवाब दिया है 25 सितंबर 2010 को। उन्होंने कहा है, विद रेफरेंस टू द अबव आई एम फर्निशिंग हियर विद द डिटेल्स सॉट अंडर आरटीआई एक्ट 2005, द केस CC6/03 इज स्टेड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इन क्रिमिनल अपील नंबर सच एंड सच। द लिस्ट ऑफ एक्यूज्ड चार्जशीटेड, द लिस्ट ऑफ एक्यूज्ड चार्जशीटेड इन CC6/2003 इज एज शोन बिलो। A1 मिस्टर के करुणाकरन, A2 श्री TH मुस्तफा और A8 में है PJ थॉमस, फॉर्मरली फूड सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ केरला। आगे लिखा, द केस स्टैंड्स पोस्टेड ऑन 23rd October 2010। दिस कोर्ट हैज नॉट क्वेस्ट चार्जेस अगेंस्ट एनी ऑफ द अक्यूज्ड इन CC6/2003। श्री PJ थॉमस कंटिन्यूज टू बी द 8th अक्यूज्ड इन द एरे ऑफ अक्यूज्ड। दिस इज द RTI कॉपी एंड आई हैव गॉट द फुल कॉपी, फुल सेट, 11 पेज सेट। सो आज जो उन्होंने कहा, वहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि नहीं, वो अक्यूज नहीं है या चार्जशीटेड नहीं है, तो उसका RTI का प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी कॉग्निजेंस लिया हुआ है। तो ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, और आपने कल अपने आपके मीडिया में ही आपने लिखा और दिखाया
कि अब सरकार सोच रही है कि सीबीसी ने जो 22,000 करोड़ का घोटाला 2G में कहा था उसको कॉग्निजेंस उसका लिया जाए, संज्ञान उसका लिया जाए, या जो CAG ने कहा 1,76,000 करोड़ का है उसका संज्ञान लिया जाए। इस पर भी द्वंद्व चल रहा है अंदर। इन सारी चीज़ों का फैसला एक JPC ही कर सकती है। और उसके साथ साथ अभी दो मैगजीनों में, मुख्य मैगजीनों में जो आपके टेप्स के बारे में छपा है कि किस तरह से कॉरपोरेट जगत, दुर्भाग्यजनक अवस्था है कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम के चार पिलर मानते हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और मीडिया, उस मीडिया के भी प्रमुख लोग किस तरह से कॉरपोरेट जगत के लॉबिस्ट लोगों से एडवाइस ले रहे हैं कि आर्टिकल में और कॉलम में क्या लिखना है, और कैसे उस कॉलम के माध्यम से और एडिटोरियल के माध्यम से पाठक को, पढ़ने वालों को, रीडर्स को प्रभावित करना है, साथ ही साथ नेताओं को भी प्रभावित करना है। कौन आदमी किस विभाग का मंत्रालय लेगा उसका भी फैसला वही लोग करेंगे। ये सारा कुछ खुलासा होने के बाद बहुत दुर्भाग्यजनक है, और मैं समझता हूँ कि इसकी भी चर्चा होनी चाहिए, और जब कभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस बने ऐसे विषयों पर, मेरे ख्याल से ये इस चीज़ का भी संज्ञान लिया जाएगा। ये बात भी उस मीटिंग में उठी है।